दोस्तों, जब मैं मेरा लगभग हुआ 4 मंथ हुआ था, तो मैं ऐसे ही खेत की तरफ चलने को निकल जाता था इसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। जो आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ खेत ही खेत है। मैं यही सोचता था कि अगर मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते में सही तरीके से चल पाऊँ तो सीधा वाला रास्ता जो है अच्छा वाला रास्ता में मैं इजी से चल पाऊंगा। अच्छा, तो यही सोचकर मैं खेतों में आता था ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं पोटैटो खेती करने के लिए, आलू लगाने के लिए अपने घर में खाने के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। साथीहरू, हेर्नुहोस्, म खेतमा आइसकेको छु। आज आलु रोप्ने हो। कालु, किन हल्ला गर्दैछ बाबु? ज्ञानी भएर बस, के भयो? घुम्न जाने हो? धेरै हामी आलु रोप्दैनौँ, पहिला चाहिँ धेरै रोप्थ्यौँ, 10 कट्ठा जति। तर अहिले आलुको खेती धेरै घटेको छ, थोरै थोरै घरमा खानको लागि मात्रै हामी आलु रोप्छौँ। आलु पनि यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ, आलु यसमा राखिसक्नु भएको छ। यो सायद टिपिएसवाला आलु हो, सानो सानो गेडावाला। यदि क्यामेरामा देखेछ भने अब यसले ढाक्ने काम मात्रै बाँकी छ, न त सुरुवात गरौँ। दोस्तो, आप सबैको मेरो तर्फसे एक प्यार भयो नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक नया भिडियो में, जो कि मैं आ चुका हूँ अपना खेत में आलू लगाने के लिए। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी तरह अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन हारेंगे नहीं, हारना ही है मुझे भी नहीं, आप सभी को, किसी को नहीं हारना है, जीतना है इस जंग को, जैसे भी करके हमको जीतना है। हाँ, लगेगा वक्त, लगेगा टाइम, लेगा ये, क्योंकि ये पैरालिसिस है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है, आप सभी को मालूम है। इसको बारे में कहना, अब क्या कहना, अब जो हो गया सो हो गया, हमको हम जो हो गया हमको, हम कल जो बीत गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिन में हम इसको स्ट्रोंगली कैसे हम जा सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है ना। क्योंकि इन प्रेजेंट हम इसको, इससे बाहर निकलने के लिए आप कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, किन किन चीज़ में ध्यान दे रहे हो, आप कितना स्ट्रोंग से इससे लड़ रहे हो, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि हार मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है किसी किसी को 1 मंथ भी ठीक हो गए हैं, तो इनको उनका शायद वो ब्रेन में नुकसान कम हुआ होगा। किसी किसी को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसे कि मेरा 2 ईयर्स ऑलमोस्ट अब 2 मंथ होने वाला है, अब ये 17th फिर आ जाएगा तो मेरा 2 ईयर्स 2 मंथ पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं तो बहुत ब्याग हूँ जैसा मुझे लगता है, किंतु दूसरों को देखता हूँ तो बहुत ठीक हो चुके हैं। मैं ब्याग हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, मैं इससे लड़ूँगा, कोशिश करते रहूँगा और स्ट्रोंगली करूँगा। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि कहीं हार मत जाना, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम एक्सरसाइज करते जाते हैं, जो बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, कोई लोग क्या बोलेंगे, कोई लोग क्या बोलेंगे, कोई डॉक्टर क्या बोलेगा, तुम किसी की बात सुना नहीं है, तुम आप अपने अंदर की बात सुनो, आप अपने पॉजिटिव भाव बनाए के रखो, क्योंकि नेगेटिविटी में जाएंगे तो डेफिनेटली हमको समाज हरा देगी,
हारने को मजबूत कर देगी, लेकिन नहीं, हारना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो में बोला है, 8-8 साल पुराना केसेस जो हैं वो रिकवर करे हैं, कर चुके हैं, अभी वो अच्छे लाइफ जी रहे हैं, वो भी 60 ईयर्स का। तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। बस सॉरी, आपको एकदम पूर्ण ध्यान से, पूरा शिद्दत से लगना होगा, अपना पूरा जान डालनी होगी, पूरा फोकस करना होगा, कहीं हम तो चूक तो नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा फोकस लगाएं, ध्यान लगाएं, कोशिश करते रहें। हाँ, टाइम लगेगा, तो हारना नहीं है, बस करते रहना है, करता रहना है। एक दिन ज़रूर होगा और ज़रूर हम रिकवर करेंगे, करके ही छोड़ेंगे। पहले कैसे थे, अब इतना हो गए तो ज़रूर होगा। क्योंकि एक आप खुद को देखिए, पहले कैसे थे, पहले तो हम खड़ा हो नहीं पाते थे, लेकिन अब शायद खड़ा हो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, एंकल्स में समस्या है, प्रॉब्लम्स है, नी में हमारा प्रॉब्लम्स है, हाथ में प्रॉब्लम्स है। देखिए, मैं भी अभी ग्रिप नहीं कर पाता हूँ, लेकिन देखा में कैबिनेट में दिख रहा है कि हाँ भाई मतलब कर ले रहा है, लेकिन हैंड में ग्रिप एकदम बिल्कुल ज़ीरो है। और मेरा इल्बो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमको इसको बोलते हैं, हमारे नेपाल में इसको बोलते हैं कुदालो। तो कुदालो हमको जब खनना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ज़मीन पर लगाना होता है, तो इल्बो ट्विस्ट करना होता है, तो इल्बो से मुड़ नहीं रहा मेरा हैंड, तो वहाँ डिफ़िकल्ट हो रही है। तो शायद सभी का ऐसा करते करते ठीक होंगे। पहले कैसे थे, अब इतना हो गए, तो ज़रूर आगे भी रिकवरी होगा ज़रूर। बस आपको अपना जो भी है, आप एक्सरसाइज तो करते ही हो, बाकी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हैं अपनी सोसाइटी के, अपना जो फॉर्म हो गया, शायद खेत हो गई, और किसी किसी को तो सब्जी का वो रहता है, बगान रहता है, उसमें ध्यान लगाते रहें, करते रहें, कोशिश करते रहें। तो अपने आप को बिजी रखना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि बस डंबल उठाओ और दौड़ते रहो, चलते रहो, ऐसा नहीं। जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं ना, डेली लाइफ में जैसे झाड़ू पोछा मारना हो गया, बर्तन धोना हो गया, अपने कपड़े धोने हो गए, सर सफाई के लिए, कुछ भी ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह काम जो हैं डेली लाइफ में, उस सब चीज़ आखिर हमको वही तो करना है, उसी चीज़ करने के लिए हम लगे हैं। तो वो सब हम आप सभी को करना है, और धीरे धीरे करते रहेंगे, देखेंगे आप एक दिन ठीक हो चुके होंगे। तो प्लीज़ करते रहिएगा। यो खेती पाती को टाइम छ, अब लगभग 1 महीना पछाड़ी यो सब तोरी, चारितिर तोरी नहीं तोरी देखि, कति तोरी, कति गहूँ, कति आलू, सब अलमर्स खेत जोतिसके छौँ। अब तोरी गहुँ के के छन् यो सबै चाहिँ हुन्छ। सुरुमा यही बाटोमा हिँड्थेँ, अहिले त यो बाटो यस्तो डोजर लगाएर यसरी अलिकति बराबर गराइदिएछ, तर यो सुरुमा लास्टै उबर खबर थियो, एकदमै अप्ठ्यारो थियो हिँड्नलाई। म यही बाटो आउँथेँ हिँड्नलाई, अगर यदि आप छोटे छोटे वॉकिंग में जा रहे हैं तो स्लीपर पहन के चलिए। स्लीपर में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ हूँ कि स्लीपर से हमारा फुट का जो फिंगर्स हैं, कॉल फिंगर और हमारा फुट, उसका एक्सरसाइज होता रहता है। क्योंकि स्लीपर को हमारा पैर ग्रिप करने को कोशिश करता है, हम चलते हैं, और चप्पल स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं पहन सकता,
क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप चलते हो तो चप्पल आगे पैर पीछे रह जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, मेरे साथ भी वही हुआ था, शायद सबके साथ हुआ होगा, नो आइडिया, बट किसी किसी हुआ था, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका रिकवरी हो जाता है, लेकिन किसी किसी को बैक रह जाता है, जैसा मेरा रह गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब देख सकते हैं स्लीपर लगा के मैं धीरे धीरे मतलब आराम से चल लेता हूँ। तो ये सलाह दूंगा कि स्लीपर पहन के चलिए, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, सही रास्ता हो, कोशिश करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जितने डिफिकल्ट रास्ते में चलेंगे उतना ही आपको एक्सरसाइज होगा और बॉडी बैलेंस बनाने में ऑटोमेटिक लगे रहेंगे। और हाँ प्रिय दोस्तों, यदि वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एक्सरसाइज करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।